नमस्कार, मैं प्रिया। धारा 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वो छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन के बाद सीटों पर अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। बिहार में सोमवार यानी 1 नवंबर से सरकारी क्रय केंद्रों के जरिए किसानों से धान की खरीद आरंभ हो गई है। इस बार राज्य भर में 3 चरणों में खरीद की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के 7 जिलों में खरीद प्रारंभ हो रही है। दूसरे चरण में 10 नवंबर से तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडल के 12 जिलों में, जबकि 15 नवंबर से शेष जिलों में धान की खरीदारी होगी। भारत में बने कोरोना टीके को भले ही अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इससे अप्रूव्ड टीकों की सूची में शामिल कर दिया है। भारत बायोटेक की तरफ से बनाई गई कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया ने यात्रियों के वैक्सीनेशन स्टेटस के लिए मंजूर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बैरी ओ फारेल ने ये जानकारी दी है। बिहार से एक बार फिर कोरोना के 8 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 6 दिनों से संक्रमण के नए मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। सिर्फ 6 दिनों के अंदर 38 नए संक्रमित मिल चुके हैं। 26 अक्टूबर को 8, 27 को 5, 28 को 6, 29 को 6 और 30 अक्टूबर को 5, जबकि बीते दिन एक बार फिर से 8 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राजधानी दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी वीकली रिपोर्ट के अनुसार तीनों निगम में अब तक डेंगू से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है और डेंगू के 1537 मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से गंभीर होते हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया है और दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों की निगरानी के लिए एक एक्सपर्ट टीम का गठन भी कर दिया है। दिवाली और छठ की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। पूर्व पर्व को देखते हुए राज्य में पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरत को देखते हुए मुख्यालय ने ये कदम उठाया है। नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 1 साल होने जा रहे हैं, लेकिन गतिरोध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। एमएसपी गारंटी और कानून रद्द कराने की जिद पर अड़े किसान इससे कम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को 26 नवम्बर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन ने सोमवार को बताया कि एक बार फिर से फेसबुक ने उनका अकाउंट 7 दिनों के लिए बंद कर दिया है। तस्लिमा ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर खुलकर धर्म विशेष के खिलाफ पोस्ट किया था। अब तस्लिमा ने कहा है कि फेसबुक ने सच बोलने की वजह से उनका अकाउंट बंद कर दिया है। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं। मलिक का आरोप है कि फडणवीस के संरक्षण में महाराष्ट्र और गोवा में कारोबार किया जाता है। इस पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा है कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फारेल एओ ने इसकी जानकारी दी है। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यात्रियों के टीकाकरण स्टेटस के उद्देश्य से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंच चुके हैं। बता दें कि बीते दिनों जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के मामले में जांच के लिए आज ईडी ने उन्हें बुलाया है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिख आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कृषि कानून विरोधी धरना स्थल यूपी गेट से दिल्ली जाने वाले रास्तों के खुलने की जगी उम्मीद पर अब पूरी तरह से पानी फिर गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदर्शनकारी सीमा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 26 नवंबर तक केंद्र सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तो गांव से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचकर पक्की किलेबंदी करेंगे। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है और अगले दौर में क्वालिफाई करने की भारत की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। वहीं विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से आउट हुए उसको लेकर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बात की है। इसके साथ ही उन्होंने रणनीति की सराहना करते हुए हरभजन सिंह ने कहा है कि न्यूजीलैंड ने कोहली के ईगो के साथ खेला है और इसी में वो फंस गए।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग ने उनके आवास के मेन गेट को बंद कर दिया है। महबूबा की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। इसके लिए बाकायदा से मेन गेट के साथ ही बीपी वाहन भी तैनात कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका को याचिकाकर्ता पटाखा व्यापारियों ने वापस ले लिया है। कोर्ट ने इस मामले में व्यापारियों को राहत नहीं दी थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। 50 से ज्यादा पटाखा व्यापारियों ने दिल्ली सरकार के फैसले को कोर्ट में एक चुनौती दी थी। दिल्ली में 19 महीने बाद सोमवार से नर्सरी से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए। हालांकि कोई भी स्कूल अभिभावक की मंजूरी के बिना बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं करेगा। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही विवादित सीमाओं और तटीय क्षेत्रों में भारतीय सेनाओं को साल भर तैनात रहने की जरूरत है। CDS ने ऑल इंडिया रेडियो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देते हुए ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूरोपीय दौरे ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंच गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद रविवार को ग्लासगो पहुंचे। पीएम मोदी 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भाग लेने और संयुक्त राष्ट्र की बैठक के मौके पर अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। पिछले हफ्ते दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता रजनीकांत कावेरी अस्पताल से घर लौट आए हैं। 28 अक्टूबर को कैरोटिड आर्टरी रिवैस्कुलराइजेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभिनेता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रविवार देर रात घर वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को राज्य के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का शुभारंभ करते देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रोडमैप का अनावरण पिछले नवंबर ही किया गया था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जाति की जगह जेंडर मुद्दा छेड़कर दूसरी पार्टियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस फॉर्मूले की कार ढूंढने में निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को समय लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी है और उनके स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर इन सभी राज्यों की प्रगति की भी कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्य अपनी परंपरा और संस्कृति को सहेज कर रख रहे हैं और हर रोज प्रगति के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं, यही उनकी कामना है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनएससीएस अध्यक्ष अरुण हल्दर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। हैरानी की बात यह है कि हल्दर ने वानखेड़े को क्लीन चिट देने का काम किया है। मूल रूप से वो जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसके घर जाते हैं और दस्तावेजों को देखते हैं। ये बात बहुत ही चौंकाने वाली बात है। देश के लिए ये राहत की बात है कि कोरोना केस के सक्रिय मामलों में लगातार कमी होती जा रही है। आज 12,514 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके बबाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,42,85,814 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,58,817 हो गई है, जो 248 दिनों में सबसे कम है। तेल की बढ़ती कीमतों से पहले ही आम जनता परेशान है। अब कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए LPG की कीमतों में आज से 266 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से 2,000 रुपये होगी, जो पहले 1,734 रुपये थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी द्वारा गोवा में कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयान पर उनकी आलोचना की है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता ने उस पार्टी के विरोध में बयान दिया है जिसने हमेशा उनका समर्थन किया। चौधरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि बनर्जी भाजपा की एजेंट के तौर पर काम कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी पर देश छोड़ने को लेकर तंज कसा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वो मरते दम तक जंग जारी रखेंगे, लेकिन जब तालिबान आया तो वो देश ही छोड़कर भाग निकले। एक टीवी चैनल से बातचीत में ब्लिंकन ने बताया कि शनिवार 14 अगस्त की रात को उन्होंने अशरफ गनी से बात की थी और उन्होंने मरते दम तक लड़ने की बात कही थी।
आज जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए गए हैं। जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद दूसरी बार इतना टैक्स कलेक्ट हुआ है। आज प्रकाशित किए गए आंकड़ों के अनुसार 1.3 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2021 में किया गया है। पिछले साल इस महीने की तुलना में इस बार अक्टूबर में 24% अधिक टैक्स कलेक्ट किया गया है। कश्मीर में लैंडमाइंस में हुए हमले में शहीद लेफ्टिनेंट के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जीडी कॉलेज में भीड़ उमड़ पड़ी थी। अंतिम दर्शन के लिए सुबह 7 बजे उनका पार्थिव शरीर जीडी कॉलेज में रखा गया था। लोग सुबह 7 बजे से पहले ही अंतिम दर्शन के लिए जुटने लगे। समय बढ़ने के साथ ही लोगों की भीड़ बढ़ती देखी गई। इस दौरान शहीद ऋषि अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारे गूंजते रहे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच जल्द ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इस बात के संकेत सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिए। उन्होंने कहा कि चाचा के साथ आने पर उन्हें कोई समस्या नहीं है, उन्हें और उनके लोगों को समाजवादी पार्टी में उचित सम्मान दिया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पंकज कुमार दास, नन्नू कुमार, शंकर मुखिया, एच तरुण, महिपाल यादव, खानसर यूपीएससी, हुकुम चंद सिंह, महिपाल यादव, ओमकार सिंह, राजेश सोंथिया, प्रवीण कुमार, नीतीश कुमार, सुगबिल कराकट, अमन कुमार, सुशील कुमार, सौरभ मिश्रा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम के हार का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।